दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो दोस्तों एक कुनकुरी है और कुनकुरी मुख्यालय है और थोड़ी देर बाद यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां पर आ रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। देख सकते हैं दूर में ये शिक्षक संघ जो है ये उन्हें ये लड्डू से तोलने की तैयारी कर रहा है और वहीं पर ये एक कुनकुरी नगर को एक अच्छे बेहतर तरीके से सौंदर्यीकरण करने की कोशिश की गई है। और इस जगह का भी मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में आएंगे, इसकी ओपनिंग करेंगे और यहाँ पर लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ नगर पंचायत कुनकुरी के भूतपूर्व जो अध्यक्ष थे वो हमारे सामने हैं, बताएंगे। सुधवल जी बहुत बहुत बधाई है आपको, आपके मुख्यमंत्री शायद जी मुख्यमंत्री बन गए। बधाई तो आप सब लोगों का है क्योंकि आज ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम लोग कुनकुरी वाले विशेषकर बहुत किस्मत वाले हैं कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी पहली बार तपकरा से कुनकुरी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं विष्णुदेव साय जी। और आज हमारे छोटा सा बस्ती डुगडुगिया में उनका आगमन हो रहा है। आज नगर पंचायत के द्वारा यहाँ सौंदर्यीकरण किया गया है जिसका लोकार्पण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होना है। सुधवल जी अब काफ़ी लंबे समय से बीजेपी में है संघर्ष, कभी आपको ऐसा लगता था कि कोई हमारे गांव का बंदा कोई हमारे गांव के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बन जाएगा? अरे सर क्या बताओ, ये तो हम लोग के लिए एक सपना जैसे हो गया कि आज एक सपना देख रहे हैं कि आज हमारा कुनकुरी का विधायक आज प्रदेश का सीएम है। ये तो हम लोग के लिए गर्व की बात है। आपको क्या बताऊं, जिस गली मोहल्ला में जा रहे हैं, जिस टोला पारा में जा रहे हैं, हर बच्चे बुजुर्ग युवा इतना खुश है कि आपको क्या बताएं। वो लोग खुशी से जो है फूले नहीं समा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पहली बार जसपुर का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बना है बैठा है, तो जाहिर सी बात है लोगों में खुशी होगी और लोग भावुक हो रहे हैं। तो ये किस तरह का यहाँ पर ये शो बनाया गया है, क्या है ये नगर पंचायत की सेमो हमारे साथ पुष्पा खलबो जी है। ये मैम किस तरह की ये मतलब ये क्या है, किस तरह से बनाया गया है, ये क्या है? ये कुनकुरी नगर पंचायत के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से डुगडुगिया वार्ड नंबर 7 में ये चौक सौंदर्यीकरण किया गया है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी थोड़ी देर में आगमन होने वाला है, उन्हीं के द्वारा ये जो है लोकार्पण का कार्यक्रम। तो मुख्यमंत्री के स्वागत में इसको सजाया गया है या सौंदर्यीकरण के हिसाब से किया गया, किस तरह का है ये दोनों है, मतलब मुख्यमंत्री के स्वागत के हिसाब से भी किया गया है। तो जाहिर सी बात है, देखिए नगर पंचायत की सीएमओ थी पुष्पा खलखो और देखिए तो हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर। थोड़ी देर बाद अभी जब यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे तो यहाँ पर उनको तोलने की तैयारी चल रही है। शिक्षक संघ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर एक किस तरह की तैयारी चल रही है यहाँ जी? आज हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हम लोग ज़िले में पहला अवसर है कि हमारे ज़िले से मुख्यमंत्री का पद मिला है और हम लोग शुरुआत मीठे से करना चाहते हैं, इसलिए आज लड्डू से तोलने का कार्यक्रम टीचर एसोसिएशन की तरफ से रखा गया है। लड्डू से तोलने का कार्यक्रम है। सरकार बदली है, आप लोगों की जो पिछली सरकार थी आप लोगों की बहुत सारी मांगे थी, अब इस सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? निश्चित तौर पे उम्मीद तो काफ़ी कुछ है और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी हैं सरल स्वभाव के हैं और अपने ढंग से अपनी बातों को समझते हैं, लोगों की बातों को अपने मैनिफेस्टो में भी अपने लिया है। जैसे पिछली सरकार ने मैनिफेस्टो में क्रमोन्नति की बात सबसे पहले रखी थी मगर क्रमोन्नति के लिए नहीं कोई भी कार्यक्रम नहीं किया। दूसरी चीज़ है डीए के लिए भी आंदोलन में शिक्षाकर्मी थे या शिक्षक संवर्ग के लोग जब आंदोलन कर रहे थे डीए के, तो जो डीए नहीं बढ़ाया। और इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण है सहायक शिक्षकों के लिए था वेतन विसंगति के लिए लगभग पूरे 5 सालों में कितनी कमेटियां बनी मगर कोई कमेटी का रिपोर्ट ही नहीं आया। इससे पता चलता है कि कितने उदासीन थे और उसी का खामियाजा निश्चित तौर पे सरकार को भुगतना पड़ा है। और अभी आगामी समय में एक सरकार अच्छी सरकार आई है और हमारे बीच के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग काफ़ी आशान्वित हैं और उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का हल निकलेगा। इस वजह से नए मुख्यमंत्री को आप लोग लड्डू से तोड़ रहे हैं? जी नहीं, ये वजह ये नहीं है कि मांगे अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा खुशी का बात यह है कि हमारे ज़िले के मुख्यमंत्री हैं और बहुत से सरल, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने जितने भी राजनीतिज्ञों को देखा है बहुत सरल स्वभाव के हैं और अपनी बातों को बहुत अच्छे से लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों की बातों को भी सरकार तक बहुत अच्छे से पहुँचाते रहे हैं। इस क्षेत्र में भी पत्थलगाँव विधानसभा के रहवासी हैं और यहाँ इस विधानसभा में जीते हैं, तो निश्चित तौर पे काफ़ी कुछ पूरे ज़िले में इनका प्रभाव है,
पहले सांसद भी रहे हैं, तो काफ़ी कुछ है हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए संभावना है कि इसमें वो होगा और ये खुशी का माहौल। निश्चित तौर पर कि ये सरकार बदलने से ज़्यादा लोगों की खुशी इस बात की है कि जसपुर का कोई व्यक्ति पहली बार मुख्यमंत्री बना है। फिर से बताना चाहूँगा कि 2003 में पहली बार ऐसा माना जा रहा था कि यह मुख्यमंत्री को जसपुर का बनेगा, उसमें स्वर्ग दिलीप सिंह जुदेव का नाम आया था, लेकिन 20 साल बाद फिर से वही वक्त आया जब स्वर्गीय जुदेव का जो सपना था कि कोई जसपुरिया मुख्यमंत्री बने, आज वो सपना साकार हुआ। तो जाहिर सी बात है इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। तो थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और उनको यहाँ पर तोला जाएगा और जो ये जो बना है ये सुंदरीकरण जो किया गया उसको ओपनिंग भी करेंगे। हम आपको हर खबरों से अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।